हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएमए का एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप सभी ने अभी तक यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि सीएमए एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर रिगार्डिंग। आईसीएमए ने एक अनाउंसमेंट रिलीज किया था सीएमए इंटर एंड फाइनल दिसंबर 2023 का रिजल्ट रिलीज होने के बाद, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर के लिए अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है इंटर और फाइनल के लिए 22 मार्च, एज लाइक जिस दिन रिजल्ट रिलीज हुआ वहीं से उनका वेरिफिकेशन का डेट ऑन हो गया था। लास्ट डेट जो है वेरिफिकेशन का सीएमए इंटर एंड फाइनल के लिए अगर हम बात करें तो 22 मार्च दोनों के लिए, चाहे सीएमए इंटर का हो चाहे सीएमए फाइनल का हो। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा और कब तक वेरिफिकेशन अप्लाई करने के बाद कितने दिन में हमें रिसीव हो जाएगा। तो एक बात आईसीएमए ने क्लियरली मेंशन किया है कि 30 दिन का टाइम शेड्यूल लगता है आपका, जिस दिन से आपने अप्लाई किया उस दिन से 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। आपका वेरिफिकेशन का रिजल्ट जो होगा आपको मेल पे आ जाएगा या फिर फिजिकली भी आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन रिजल्ट एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन आंसर पेपर ऑफ फी 250 पर सब्जेक्ट पेपर, इन केस वेरिफिकेशन आंसर पेपर ओनली मिस्टेक टू टोटलिंग ओमिशन एग्जामिनेशन आंसर पेपर चेक नंबर डिटेल क्वेश्चन राइट मेरिट कल्चर वेरिफिकेशन फाउंड देयर बीन ओमिशंस एग्जामिनेशंस वैल्यू एंड आंसर पेपर एंड अ मार्क मिस्टेक इन द पेपर ऑफ एक्शंस फॉर द पेपर विच इज मिस्टेक डिकेटेड शुड बी रिफंडेबल कैंडिडेट एप्लीकेशन। सिंपल सा इसका मतलब है कि 250 रुपये लगने वाला है आपका एक वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है ये भी इसी वीडियो में आप जानेंगे। सिंपल सा यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा जो कि हॉल टिकट पे मेंशन होगा, आपका नाम आएगा, आपके कोर्स आएंगे एज लाइक सीएमए इंटर का हो सीएमए फाइनल का हो। 250 रुपीज़ चार्जेस आपको पे करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, एक कॉमन से क्यूरी आती है कि सर सब्जेक्ट क्या लिखे कैसे और अप्लाई करें। तो सब्जेक्ट जो होगा मैं ग्रोनोले टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रहा हूँ, जाइए विजिट कीजिए ग्रोनोले टेलीग्राम चैनल। सब्जेक्ट जो आएंगे वो मैं पुट कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना होगा आपको और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और पर सब्जेक्ट 250 रुपीज़ है, इतना याद रहे। इसके पहले हम RTI फाइल करते थे एज लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, जहाँ से हम अप्लाई करते थे 10 रुपये में। बट अभी क्या हो गया है कि वहाँ पे भी 250 रुपीज़ के चार्जेस लग जाते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहीं से आप अप्लाई करना आईसीएमए को ऑफिशियल वेबसाइट से ही। क्यों क्यूरी आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपको अप्लाई करना हो और आपको ना आता हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं अप्लाई करके दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना।